किसी के बाप का नहीं है। पंजाब, पंजाब भी हमारा, सिंध भी हमारा, बलोचिस्तान भी हमारा, जहाँ दिल करेगा जाएंगे। आप पंजाब में जलसा करेंगे ये बात है? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कौन रोक सकता है हमें। लाहौर हमारा, पंजाब ने 8 फरवरी को बताया था वो खान के साथ है। मीडिया ने जो बायकॉट किया हुआ है उनको क्या पैगाम है? मेरा नहीं ख्याल है उनको बायकॉट करना चाहिए। उन्होंने सबकी बात नहीं की थी, किसी कुछ एक दो सहाफियों की बात की थी, जब वो क्लियर भी कर चुके हैं तो आप बायकॉट करना बनता नहीं है। क्या पैगाम देंगी आवाम को इस वक्त के लाहौर के जलसे में, कैसे शिरकत की जाए? जैसे आप 8 फरवरी को निकले थे वैसे ही निकले, आप डर का खौफ का कुछ तोड़ दें, क्योंकि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का आपके आज का सवाल है। हम हर मोहल्ले में है, हर गली में है, हर घर में है, ये पंजाब में आने की बात करते हैं। हर घर में, हर घर में, हर घर से निकलेंगे इंशाल्लाह, हर घर में इमरान खान, हर हर घर में इमरान खान निकलेगा इंशाल्लाह। लाहौर जलसे का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, देख ले आवाम का जोश और क्रोश किस तरह है। लाहौर में एक तारीखी जलसा होगा 31 सितंबर को, इमरान खान का हुक्म होगा। अगर ये NSC नहीं देते फिर भी हम जलसा करके दिखाएंगे और डंके की चोट पर हम जलसा करेंगे। सुन ले, ये जलसे का ट्रेलर जारी हो गया। ये कहते हैं लाहौर ये नवाज शरीफ का घर है, ये गद्दाफी स्टेडियम है, ये तमिलती हॉस्पिटल है और ये हमारी रैली हो रही है। इंशाल्लाह ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे हम उतना उभर के सामने आएंगी, तहरीक इंसाफ उतना उभर के सामने आएगी, इमरान खान उतना ताकतवर बनता जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा लाहौर अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा है, KPK के साथ खड़ा है। इंशाल्लाह 21 तारीख का जलसा वो करके दिखाएंगे। लाहौर इतनी सख्तियों के बावजूद आप देख सकते लोग कितने निकले हैं। जिस दिन जो ऐसा मामला हुआ इंशाल्लाह ताला पूरा देखा मीनारे पाकिस्तान भरेगा। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने है, नाज़रीन किराम आवाम इस वक्त सारे, इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम इस वक्त बड़ी तादाद में नाज़रीन किराम निकल चुकी है। ये मैं आपको दिखा दूं, आप मेरे पीछे जो आवाम देख सकते हैं बड़ी तादाद में आवाम निकली हुई है और इस वक्त एक ही बात कर रही है कि नाज़रीन किराम इस वक्त हम आएंगे। नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने है, इस वक्त नाज़रीन किराम आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, जरा इस वक्त आ जाइएगा इधर आके जरा मनाविर दिखाइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो सड़कों पर निकले हुए, जो इस वक्त बताया ये जा रहा था कि नाज़रीन किराम हम लोग निकलेंगे नहीं, इनको पकड़ा जाएगा, इनका देखते हैं कैसे निकलते हैं। आवाम इस वक्त निकली हुई है, आप ये बताइएगा अली इन गंडापुर को कहा जा रहा था निकलो आओ, देखते हैं तुम्हें क्या पैगाम है पंजाब की हुकूमत के लिए। इंशाल्लाह वो निकलेगा, वो दलेर इंसान है, वो निकलेगा इंशाल्लाह, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी है वो निकलेगा। ठीक हो गया, आगे चलेंगे नाज़रीन किराम और बात करते रहेंगे। आगे आइएगा, आगे आइएगा, आगे आइएगा और बात करते रहेंगे नाज़रीन किराम। आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे 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 आ जाए, आगे आ जाए। भाई आपको तो कहा जा रहा था पंजाब में आके दिखाओ तुम्हें बता देंगे, आप आ गए। हम हर मोहल्ले में है, हर गली में है, हर घर में है, ये पंजाब में आने की बात करते हैं। हर घर में, हर घर में, हर घर से निकलेंगे इंशाल्लाह, हर घर में इमरान खान, हर हर घर में इमरान खान निकलेगा इंशाल्लाह। लाहौर जलसे का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, देख ले आवाम का जोश और क्रोश किस तरह है। लाहौर में एक तारीखी जलसा होगा 31 सितंबर को, इमरान खान का हुक्म होगा। अगर ये NSC नहीं देते फिर भी हम जल और इसके बाप का है, लाहौर हमारा, हम आम है, यह क्या कर सकती है? चोर है, चोर है। इतने आप भी ले रहे बेटा, आपको मैं सलाम करता हूँ, इधर आता आपको मैं देख सकता हूँ, चोर है, मरियम के पापा चोर है। पूरे लाहौर ने इनको रिजेक्ट किया है, बदमाशी के सर पर ये बैठी हुई है चीफ मिनिस्टर हमारे सर के ऊपर। हमारे में से एक बंदा पूरे लाहौर में नहीं जा रहा, पूरे पंजाब में एक बंदा इसको चाहिए, हम नहीं देखना चाहता। ये हमारे में मुसल्लत की गई और सबको पता कि इन्होंने मुसल्लत की है इसको। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। आगे आगे चलेंगे, जरा आगे आ जाए नाज़रीन किराम, मैं आपको दिखाता रहूंगा, जरा भाग के आइएगा। इस वक्त पैगाम जो इस वक्त सामने देख रहे हैं, मेरे सामने जो हालात आप देख सकते हैं, ये हालात नाज़रीन किराम ये ऐसे हालात हैं जो आपने तारीख में नहीं देखे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ना बैन है, आपको कहा गया था लाहौर में आके दिखाओ तुम्हें देख लेंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहा था, क्या पैगाम दे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ना आजकल गुना बन गया है और ये गुना हम बार बार करेंगे और बार बार करेंगे। हम इंशाल्लाह इस जलसे को जो 21 सितंबर को एक कामयाब बनाएंगे, बार इंशाल्लाह हम रैली की सूरत में जाएंगे वहां। लेकिन हम आपके सामने आप देख सकते हैं आवाम इस वक्त, आवाम नहीं मान रही। इमरान खान भाई आपको कहा गया है कि लाहौर में आके दिखाओ, निकले हुए इमरान खान भी तो निकले हुए सर। ठीक हो गया नाज़रीन किराम, आप हालात देख सकते,
सकते हैं, मनाविर देख लीजिएगा। ये आवाम जो नाज़रीन किराम आपको दिख रही है, ये हालात इस वक्त बेकाबू है नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं आपके सामने। जी 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 जी, आगे आते रहिएगा नाज़रीन किराम, आगे चलते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों पर है, और सड़कों पर इस वक्त एक ही नारा है कि इमरान खान को रिहा करो। और एक बड़ी तादाद नाज़रीन किराम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सड़कों पर नाज़रीन किराम आ चुकी है, और एक ही दावा कर रही है कि हम लोग इमरान अहमद खान नियाज़ी का दामन नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त आपके सामने ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे आपको नजर आ रहे होंगे। जुबैर खान नियाज़ी साहब इस रैली को लीड करते हुए आगे हैं, आपके आगे भी चलेंगे ना, आगे चलते भाई। आपको तो कहा जा रहा था पंजाब में आके दिखाओ, तुम्हें बता देंगे, आप आ गए। हम हर मोहल्ले में है, हर गली में है, हर घर में है, ये पंजाब में आने की बात करते हैं। हर घर में, हर घर में, हर घर से निकलेंगे इंशाल्लाह, हर घर में इमरान खान, हर हर घर में इमरान खान निकलेगा इंशाल्लाह। लाहौर जलसे का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, देख ले आवाम का जोश और खरोश किस तरह लाहौर में। एक तारीखी जलसा होगा 31 सितंबर को, इमरान खान का हुक्म होगा, अगर ये एनएससी नहीं देते फिर भी हम जलसा करके दिखाएंगे, और डंके की चोट पर हम जलसा करेंगे। सुन ले, ये जलसे का ट्रेलर जारी हो गया। ये कहते हैं लाहौर, ये नवाशिम का घर है, ये गद्दाफी स्टेडियम है, ये तमिलती हॉस्पिटल है, और ये हमारी रैली हो रही है। इंशाल्लाह इंसाफ दबाने की कोशिश करेंगे हम, उतना उभर के सामने आएंगे तहरीक इंसाफ, उतना उभर के सामने आएगी, इमरान खान उतना ताकतवर बनता जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरा लाहौर अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा है, केपीके के साथ खड़ा है, इंशाल्लाह किस तरीके का जलसा को करके दिखाएंगे। लाहौर इतनी सख्तियों के बावजूद आप देख सकते लोग कितने निकले हैं, जिस दिन जो ऐसा मामला हुआ इंशाल्लाह ताला पूरा देखा मीनारे पाकिस्तान भरेगा। ठीक है, आगे चलेंगे जनाब, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने मनाज़िर हैं, और ये मनाज़िर नाज़रीन किराम इस वक्त ये बता रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस शख्स का, जो शख्स इस वक्त अडियाला में बैठा हुआ है, उसका दामन और उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। वो शख्स जो मर्जी कर ले, आप उस शख्स पे इतने मर्जी इल्जाम लगा दें, ये लोग कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, आप उसको कहते हैं कि जनाब इमरान खान दहशतगर्द है, ये लोग भी कहते हैं हम दहशतगर्द हैं। इस वक्त आपके सामने जो लाहौर के मनाजिर है नाज़रीन किराम, वो जरा मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त एक बड़ी तादाद में नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली इस वक्त नाज़रीन किराम 0.9 के मरियम नवाज शरीफ की हदूद में घुस चुकी है। ये पार्लियामेंट हाउस लॉजिस संभालते हैं, और नाज़रीन किराम ये हालात इस वक्त आवाम जो है वो इस वक्त सड़कों पर निकल कर एक ही नारा लगा रही है इमरान खान का। इस वक्त तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़ना, इमरान खान की यहाँ तक की तस्वीर पकड़ना इंतहाई मुश्किल, और नाज़रीन किराम ऐसी है जैसे पाइन नानी के मरियम नवाज शरीफ की हदूद में घुस चुकी है। ये पार्लियामेंट हाउस लॉजिस संभालते हैं, और नाज़रीन किराम ये हालात इस वक्त आवाम जो है वो इस वक्त सड़कों पर निकल कर एक ही नारा लगा रही है इमरान खान का। इस वक्त तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़ना, इमरान खान की यहाँ तक की तस्वीर पकड़ना इंतहाई मुश्किल, और नाज़रीन किराम ऐसी है जैसे